एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूँ प्रगति। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक नेल आर्ट का वीडियो लेके आई हूँ और ये बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से नेल आर्ट हम बनाएंगे, जिसको कि हम टूथपिक की हेल्प से बनाएंगे। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये मेरे चैनल के नेल आर्ट के और भी वीडियोस के पिक्चर्स हैं, तो इन वीडियोस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और आप वीडियो के एंड में भी चेक कर सकते हैं अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के नेल आर्ट की। इस नेल आर्ट में मैंने आज ब्लैक कलर के नेल पेंट का यूज़ किया है बेस कोट में। तो पूरे नेल्स पर हम ये ब्लैक कलर का नेल पेंट लगा लेंगे सबसे पहले, और इसका हम सिर्फ सिंगल कोट ही करेंगे, डबल कोट नहीं करेंगे, क्योंकि ब्लैक कलर अपने आप में ही इनफ होता है सिंगल कोट के लिए। तो अभी मैंने पूरे नेल्स पर ये ब्लैक कलर का नेल पेंट लगा लिया है और इसको ड्राई होने देंगे। ड्राई होने के बाद हम यहाँ पर ये गोल्डन कलर के नेल पेंट का यूज़ करेंगे। तो गोल्डन कलर के नेल पेंट को हम हाफ नेल्स में लगाएंगे, जैसे कि मैं आपको थंब में बता रही हूँ, उसी तरीके से सारे नेल्स में हम इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे और यही पैटर्न हम सारे नेल्स में लगा लेंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी आईडी स्क्रीन पर आप चेक कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। ये जो नेल आर्ट मैं आज आपको बता रही हूँ, ये भी बहुत ही सिंपल और इजी है, और इसको भी आप 5 से 10 मिनट में बनाकर अपने नेल्स पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कॉम्बिनेशन में ब्लैक और गोल्डन कलर के नेल पेंट का यूज़ किया है। आप अपने अकॉर्डिंग इस नेल आर्ट के कॉम्बिनेशन को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि रेड एंड ब्लू, वाइट एंड ब्लैक, या फिर रेड एंड वाइट। तो अब मैं यहाँ पर टूथपिक का यूज़ कर रही हूँ और ब्लैक कलर के नेल पेंट को ले रही हूँ। उसी से हम छोटे छोटे डॉट बना लेंगे, वो भी गोल्डन कलर के नेल पेंट के ऊपर, और हमारा ये नेल आर्ट लगभग कंप्लीट हो जाएगा। मेरे आगे आने वाले नए वीडियो में इसी तरह के सिंपल और इजी नेल आर्ट के वीडियोज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल एक वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सेम इसी नेल आर्ट को मैं और भी कई बार पहले अपने नेल्स पर लगा चुकी हूँ। स्क्रीन पर जो अभी आपके सामने पिक्चर शो हो रही है, उसमें भी मैंने इसी नेल आर्ट को लगाया हुआ है। आप किसी पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में कोई नेल आर्ट अगर देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो वो नेल आर्ट मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगी। तो चलिए आइए अब बात करते हैं कि अगर हमारे नेल आर्ट करते समय साइड के जो किनारे हैं वहाँ पर अगर नेल पॉलिश लग जाती है तो हम उसे कैसे रिमूव करेंगे। उसको रिमूव करने के लिए मैं यहाँ पर ईयरबड में थोड़ा सा रिमूवर लगा लेती हूँ और साइड के किनारों को यहाँ से क्लीन कर लेती हूँ। वैसे तो मेरे जो साइड के किनारे वो बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं, बट अगर आपके साथ ऐसा होता है तो इसी तरीके से आप रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं नेल आर्ट को फाइनल टच देने के लिए ये ट्रांसपेरेंट नेल पेंट का यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि काफ़ी शाइनी लगेगा और भी नेल पेंट ये। तो मैं सब में एक कोट लगा लूँगी सारे नेल्स में इस वाइट ट्रांसपेरेंट नेल पेंट का। तो आप देखिए इस नेल आर्ट का फाइनल लुक, और वीडियो के बीच बीच में भी मैं आपको ऊपर आई बटन में नेल आर्ट वीडियो का लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, तो अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वहां से भी क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये नेल आर्ट का वीडियो आपको कैसा लगा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Bye-bye.